हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम में पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन को समझा था। उसके बाद मेल के अंदर कौन से सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल में कौन से सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। प्यूबर्टी कौन सी एज होती है, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसे मेनली दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और सेकेंड पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है जिनके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। जैसे मेल के अंदर बनने वाला गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म है, उसका प्रोडक्शन होगा टेस्टिस में, तो इसलिए टेस्टिस को यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। फीमेल के अंदर ओवम या एग का प्रोडक्शन ओवरी से होता है, इसलिए उसे वहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाएगा। इसके बाद अदर जो ऑर्गन है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे मेल में अदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो एपिडिडाइमिस, बास्ट एफ्रेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ये सारे अदर जो ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर उन्हें रखा जाता है। तो सिंपल सा दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन, और सेकंड है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब टेस्टिस जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम में हमने बनाया है स्ट्रक्चर है टेस्टिस, एक टेस्टिस के चारों ओर एक एनवलप या आवरण पाया जाता है, और उस एनवलप को स्क्रोटम कहते हैं। ये जो एनवलप हमें दिखाई दे रहा है टेस्टिस पर पाया जाने वाला एनवलप है, इस एनवलप को स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा, और इस स्क्रोटम के द्वारा टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाता है, क्योंकि इसके जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेंगे उनके मैचुरेशन के लिए, उनको डेवलप होने के लिए कम टेम्परेचर की नीड होती है, यानी वो ज़्यादा टेम्परेचर पर डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसलिए स्क्रोटम में बॉडी के कंपैरिजन में यहाँ का जो टेम्परेचर होगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे स्पर्म का मैचुरेशन सही प्रकार से हो पाता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली डिवाइड एक तरह की डिवाइस है स्क्रोटम, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पाए जाते हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस में पाई जाती है, टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे उनको एपिडिडाइमिस में भेजा जाएगा, एपिडिडाइमिस से इन स्पर्म को बास्ट डेफरेंस में भेजा जाता है। ये बास्ट डेफरेंस स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, बास्ट डेफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर जाकर खुलती है। ये बास डेफरेंस यहाँ से स्टार्ट हुई, किस स्ट्रक्चर में जाकर खुलेगी, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ स्पर्म को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। स्पर्म यहाँ रहते हैं, इसमें एक फ्लूड मिलाया जाता है जिससे सीमेन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर क्या निकलता है, यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है रेड से हमने दिखाया है, इस ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा। इस यूरेथ्रा से यूरिन को और सीमेन को दोनों को निकाला जाता है, दोनों के लिए ये पासेज का काम करेगा। मेल में यूरिन को भी यहीं से निकाला जाता है, और जो सीमेन बनेगा उसे भी यहीं से निकाला जाता है। एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के, यूरेथ्रा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस जगह पर, उसे बोला जाता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सीमेन के फॉर्मेशन में इसके द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है।
और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें स्टडी करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहले तो इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन्स। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? टू पार्ट्स में। एक इसका पार्ट हो जाएगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और सेकंड इसका पार्ट होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब अभी मैंने बताया था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। मेल के अंदर गैमेट का प्रोडक्शन टेस्टिस करते हैं, इसलिए मेल में टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोला जाता है। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन ओवरी करती है, इसलिए फीमेल में ओवेरी जो है, ओवेरीज जो है, उन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन को सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। अब मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया? टेस्टिस। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या आएगा? एक पार्ट इसका आ जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। सेकेंड वास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस भी होता है लेकिन हमें इस लेवल पर वास डेफरेंस को याद रखना है। वास डेफरेंस सेकेंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थर्ड होगा सेमाइनल वेसिकल, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फोर्थ होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिफ्थ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। और लास्ट जो है पेनिस, ये सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मेल के अंदर कौन सा है? टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में है टेस्टिस। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आएगा? स्क्रोटम। फर्स्ट तो कौन सा आ गया? स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद बास डेफरेंस, बास डेफरेंस। इसके बाद सेमाइनल वेसिकल, नेक्स्ट इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद पैनिस या यूरेथ्रा, और लास्ट हो जाएगा इसमें पैनिस। तो इन ऑर्गन्स के बारे में हमें स्टडी करना है। पहले टेस्टिस के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद स्क्रोटम, बास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पैनिस, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे। अब प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट हमको किसके बारे में पढ़ना है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सिंपल सा डेफिनेशन हमें याद रखनी है, ऐसे ऑर्गन जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। जो गैमेट्स को बनाएंगे, मेल में मेल गैमेट को बनाएंगे, फीमेल में फीमेल गैमेट को बनाएंगे, उन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इन्हीं को हम गोनेट्स भी कहते हैं।
ऐसे ऑर्गन जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें ही गोनेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेल में जो गोनेड्स है, मेल के गोनेड्स को क्या बोला जाता है? टेस्टिस। फीमेल के गोनेड्स जो है उन्हें क्या बोला जाएगा? ओवेरी। मेल के गोनेड्स को टेस्टिस कहते हैं। ह्यूमन में मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। इनकी जो नंबर है, संख्या है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होगी। और ये टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म के प्रोडक्शन का काम करते हैं। इनके द्वारा स्पर्म का, मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमेट स्पर्म का प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाता है। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। टेस्टिस की जो पोजीशन है, ये एब्डोमिनल कैविटी वाला हमारा हिस्सा है, इसके बाहर की ओर प्रेजेंट होंगे। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे टेस्टिस, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्क्रोटम। टेस्टिस में भी दो पार्ट्स हम बोल सकते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है टेस्टिस में जो स्पर्म को बनाता है, दूसरा ऐसा पार्ट होता है जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाया जाता है। तो टेस्टिस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, दूसरा पार्ट जो मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। तो टेस्टिस जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दे आर द ऑर्गन विच प्रोड्यूस सेक्स सेल और गैमेट्स। दे आर द ऑर्गन, दे आर द ऑर्गन विच प्रोड्यूस सेक्स सेल्स या गैमेट। यानी ये ऐसे ऑर्गन है जिनके द्वारा सेक्स सेल का या किनका प्रोडक्शन किया जाता है? गैमेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। उन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। ऐसे ऑर्गन जो सेक्स सेल या गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिनके द्वारा सेक्स सेल या गैमेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उन्हें हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, दे ऑल्सो सिक्रेट सम हार्मोन्स। इनके द्वारा कुछ हार्मोन भी सिक्रेट किए जाते हैं। दे ऑल्सो सिक्रेट सम हार्मोन्स, सम हार्मोन्स, इनके द्वारा कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन भी किया जाता है। गैमेट्स भी बनाते हैं और हार्मोन्स का सिक्रेशन भी इनके द्वारा किया जाता है। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेट्स। इन ऑर्गन्स को एक क्या क्या और कहा जाता है? गोनेट्स। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेट्स। ये जो ऑर्गन है जो सेक्स सेल गैमेट्स भी बना रहे हैं, हॉर्मोन्स का भी सिक्रेशन कर रहे हैं, इन ऑर्गन्स को गोनेट्स भी कहा जाता है। इन्हें गोनेट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और जो मेल गोनेट्स हैं, द मेल गोनेट्स, द मेल गोनेट्स आर कॉल्ड टेस्टिस। मेल के जो गोनेट्स हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? टेस्टिस। मेल का जो गोनेट है उन गोनेट्स को हम, अब सिंगुलर के लिए हम टी ई एस वर्ड काम में लेते हैं, दो टेस्टिस है उनके लिए हम क्या काम में लेंगे? TES TIS, ये प्लूरल वर्ड है। तो सिंपल सा, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेट्स, इन ऑर्गन्स को गोनेट्स कहा जाता है। और मेल गोनेट्स जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? टेस्टिस के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसके बाद ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन ह्यूमन, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर टेस्टिस वन पेयर होते हैं। अब ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस तरह का व्यू है। एक पेयर, एक टेस्टिस इधर है, दूसरा टेस्टिस दूसरी साइड, अदर साइड में पाया जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है, ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस है वो कितने हैं? वन पेयर।
वन पेयर ऑफ टेस्टीज मेल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं. ए पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट, ए पेयर ऑफ टेस्टीज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन. ए पेयर ऑफ टेस्टीज ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल एंड दीज आर प्रोड्यूस, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस स्पर्म. यानी इनके द्वारा किसका प्रोडक्शन किया जाता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन किया जाता है. जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोला जाता है, स्पर्म. तो ये जो टेस्टीज हैं ये किसका प्रोडक्शन करेंगे, इनके द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म का प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाता है. अब इनकी पोजीशन क्या है, टेस्टीज आर प्रेजेंट, टेस्टीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, मेल की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर की तरफ ये पॉजिटेड होते हैं. इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम. इस लाइन का मीनिंग क्या है, टेस्टीज जो है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर है, हमारी बॉडी वॉल जो है उसके बाहर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मिलेंगे. और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है. मेल के टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर का क्या कहलाता है, स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मेल के टेस्टीज पाए जाते हैं. टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टेस्टीज दो पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टेस्टीज का फॉर्मेशन कितने पार्ट से होगा, टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. वन विच प्रोड्यूसेज स्पर्म, वन विच प्रोड्यूसेज स्पर्म, पहला पार्ट कौन सा होगा जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है. एंड सेकेंड विच एक्ट, एंड सेकेंड विच एक्ट एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट्स, एंड सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. यानी इस लाइन का मीनिंग क्या है, जो टेस्टीज है वो दो पार्ट्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. इसका एक पार्ट मेल गैमेट स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, सेकंड जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज किया, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया जाता है. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क करेगा, क्योंकि जो हार्मोन है वो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड. यानी एक पार्ट तो इसका ऐसा होता है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, दूसरा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा. और वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पार्ट काम कर रहा है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन उसके द्वारा किया जाता है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, पहला भाग है ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का,
जिसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में मैंने बताया, ऐसे सभी ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन को सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। इन ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। स्क्रोटम, ये हमें दिखाई दे रहा है। बास डेफरेंस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अंदर आएगा। यूरेथ्रा वाला पार्ट इसके अंदर आएगा। पेनिस, ये सारे जो पार्ट हैं इस तरह के पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसकी हेडिंग हमारी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसकी डेफिनेशन को हम लिखें, ऑल द ऑर्गन्स अदर देन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑल द ऑर्गन्स इनमें किसको छोड़ देंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ेंगे, उसके अलावा सारे ऑर्गन, ऑल द ऑर्गन्स अदर देन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अदर देन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर, विच आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉल्ड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर कॉल्ड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है, ऐसे सभी ऑर्गन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर, ऐसे सभी ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स को सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट आएंगे, स्क्रोटम, बास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, और लास्ट पार्ट इसका होता है पेनिस। इसके फर्स्ट पार्ट को हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है, स्क्रोटम। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट पार्ट स्क्रोटम, फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो कौन सा है, स्क्रोटम। इसके बाद बास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, और लास्ट पार्ट कौन सा होता है, पेनिस। तो स्क्रोटम वाले पार्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएं इसकी मिलेंगी। स्क्रोटम सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो टेस्टीज को स्टेबल बनाए रखता है। टेस्टीज को इसके अंदर रखा गया है इस तरह से, तो टेस्टीज को स्टेबल बनाए रखने का काम कौन करेगा, स्क्रोटम करेगा, टेस्टीज की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। सेकंड जो स्क्रोटम वाला पार्ट है, ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, उस टेम्परेचर को बनाए रखने का काम स्क्रोटम करता है। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो टेम्परेचर है लगभग 34 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर पाया जाता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर, जो
स्पर्म के मैचुरेशन या स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। स्क्रोटम एक तरह से एक डिवाइस का काम करता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की जो ऐसी डिवाइस का काम करता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। टेस्टिस के टेम्परेचर को इनके द्वारा कंट्रोल करने का काम किया जाता है। और जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो बॉडी के अदर जो ऑर्गन है उनसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पाया जाता है। तो स्क्रोटम के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्क्रोटम में सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्क्रोटम इज इम्पोर्टेंट टू कीप द टेस्टिस स्टेबल। सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, स्क्रोटम इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द टेस्टिस स्टेबल। फर्स्ट काम तो इसका क्या हो गया, ये जो टेस्टीज है उनको स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। टेस्टीज को, टेस्टीज एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से टेस्टीज को इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन सा पार्ट कर रहा है, स्क्रोटम पार्ट करता है। सेकंड, द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द स्पर्म। सेकंड इसका पॉइंट होगा, जो स्पर्म है उसको अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्शन के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए टेम्परेचर, प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। द स्क्रोटम फंक्शन एज ए डिवाइस, द स्क्रोटम फंक्शंस द स्क्रोटम फंक्शंस एज ए डिवाइस विच रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, विच रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ टेस्टी। यानी डिवाइस की तरह स्क्रोटम काम करता है, ऐसी डिवाइस की तरह काम करता है जो टेस्टीज के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। यानी ऐसी डिवाइस की तरह स्क्रोटम काम करेगा जो टेस्टीज के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्क्रोटम का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज लोअर देन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लास्ट इसका पॉइंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम लोअर देन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी than the other organs of the body। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है उनके कंपैरिजन में कम होता है। कम कितना होता है वो भी वैल्यू हमें याद रखनी है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर ये कम पाया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया है,
इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से फर्स्ट पार्ट इसका स्क्रोटम, उसके बारे में हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बास डेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। बास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, इन स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसे दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। देखो, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टाइप के ऑर्गन्स के अंदर इसे डिवाइड किया जा सकता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल के अंदर ये होते हैं टेस्टिस। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस चलेगी उसके अंदर इनके द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड जो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एग्जाम्पल स्क्रोटम, बास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। पोजीशन कहाँ है इनकी? टेस्टिस, ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। स्क्रोटम इसके बाहर की कवरिंग है। बास डेफरेंस, ये स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है, और ये पेनिस वाली स्ट्रक्चर है। ये सब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर द ऑर्गन विच प्रोड्यूस सेक्स सेल और गैमेट्स, यानी ऐसे ऑर्गन है जिनके द्वारा सेक्स सेल्स का या गैमेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। दे ऑल्सो सीक्रेट सम हार्मोन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन किया जाएगा। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेट्स। इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? गोनेट्स भी इन्हें कहते हैं, और मेल गोनेट्स जो है उन्हें बोला जाता है टेस्टिस। अब इसमें मीनिंग में हमें याद रखना है TES यानी सिंगल टेस्टिस के बारे में है, TES लिखा हुआ है यानी जो पेयर है उसके बारे में है। दोनों का यूज हम करते हैं। ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड दीज आर प्रोड्यूस स्पर्म, एक पेयर में ये टेस्टिस पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, और इनके द्वारा स्पर्म का, मेल गैमेट का प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाता है। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस जो है मेल में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जा रहे हैं। इन्हें पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ये वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टेस्टिस को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो किसका प्रोडक्शन करेगा? स्पर्म का। और सेकेंड जो पार्ट है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। टेस्टिस का फर्स्ट पार्ट स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, टेस्टिस का सेकेंड पार्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो फर्स्ट इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते क्या है? ऑल द ऑर्गन्स अदर देन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉल्ड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा जितने भी ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है? स्क्रोटम, बास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ये सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इसका स्क्रोटम, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द टेस्टिस स्टेबल। फर्स्ट वर्क तो इसका क्या है? टेस्टिस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस है तो उन्हें स्टेबल रख रहा है। द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए द स्क्रोटम फंक्शंस एज ए डिवाइस विच रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस।
इसलिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखने का काम, उसे रेगुलेट करने का काम स्क्रोटम के द्वारा किया जाता है। स्क्रोटम एक ऐसी डिवाइस के समान काम करता है जो टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखती है, जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन मैचुरेशन सही प्रकार से हो पाए। टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम लोअर देन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं उनके कंपैरिजन में स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, और लगभग कितना लो होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो हुआ। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो ये लगभग 35-34 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर पाया जाता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर मिलेगा। तो यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्क्रोटम। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बास डेफरेंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।